हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव स्टार्टेड अवर नाइन्थ लेसन दैट इज सिंपल मशीन्स। ठीक है, और इस पर हमने बेसिक इंफॉर्मेशन कवर की थी। टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट द डिफरेंट सिक्स टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स, और आज हम टू टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स है वो लर्न करेंगे। फर्स्ट वन इज इंक्लाइंड प्लेन एंड द सेकेंड वन इज स्क्रू। ये दो के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में लर्न करेंगे। इंक्लाइंड प्लेट मतलब कि स्लोप हुआ, कोई भी स्लोप ये सिंपल है, और ये जो होता है कम एफर्ट लगेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा।
लेटर चाहिए है ना बनाने के लिए, या फिर कोई एक वुड का एक पीस ही चाहिए जिससे ये स्लोप है वो बन जाता है। सो इट इज अ सिंपल मशीन। और ये जो इनक्लाइंड प्लेट है सिंपल मशीन वो आजकल का नहीं है, बट एंशिएंट टाइम मतलब ये जब पुराना टाइम था तब हमें पता है कि इजिप्ट में क्या है, इजिप्ट करके एक प्लेस है और वहां क्या फेमस है, इजिप्ट के पिरामिड्स। तो इजिप्टियन जो थे वहां के रहने वाले वो जब ये उसके बड़े बड़े पिरामिड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो उनके जो रॉक्स थे वो मूव करने के लिए ये लोग इनक्लाइंड प्लेट का ही यूज करते थे। यही मशीन से वो लोग स्टोन्स को मूव करते थे। इजिप्टियंस यूज इनक्लाइंड प्लेट टू मूव हैवी स्टोन्स व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द ग्रेट पिरामिड्स। और इसके अलावा उसमें है फर्स्ट वन इज रैम। आजकल कई जगह पर ऐसा होता है दूसरे बिल्डिंग में जाने के लिए हमें एंट्री लेनी होती है, तब वहां स्टेयर्स भी होते हैं और रैम भी होता है। जहां से सपोज कि हम कोई रिसोर्ट पे गए हैं या फिर बड़ी होटल में स्टे करने के लिए गए हैं तब हमारे पास लगेज होगा, तो वहां का जो एक पर्सन है वो ट्रॉली लेके आता है और हमारा सारा लगेज है वो उसमें भर के हमारे रूम तक पहुंच जाता है। तो वहां साइड में एक रैंप होता है जहां से ट्रॉली को लोग चढ़ाते हैं और नीचे उतारते हैं, तो वो जो वहां से होता है उसे कहते हैं रैंप। या फिर किसी को स्पेस में चलती व्हील चेयर हो तो व्हील चेयर तो स्टेप के ऊपर हम उसे उठानी पड़ेगी, बट अगर ये एग्जाम्पल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और वो हमारा एक सिंपल मशीन है। ठीक है, फिर हम लोग हिल स्टेशन पर जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ
मुश्किल से वहाँ अंदर फिट हो जाता है और कोई भी चीज है वो कनेक्ट हो जाती है। ये स्क्रू है वो ज्यादातर फर्नीचर में होते हैं और कई जगहों पर आप अपने देखे होंगे, ठीक है। इट रिसेंबल्स लाइक अ बाइंडिंग रोड, दिस इज अ बाइंडिंग रोड दैट मेक्स अ वर्क इजीियर टू मूव अ अपर लेवल, है ना। तो ये भी ऐसा ही है, द ग्रूव्स ग्रेजुअली राइज फ्रॉम वन एंड टू द अदर। ये जो ग्रूव्स होते हैं वो एक एंड से स्टार्ट लेके यहां तक होते हैं। The grooves therefore move the stool through the wood with less effort. और ये grooves होते हैं उसके लिए भी ये स्क्रू है वो wood के थ्रू आसानी से पास हो जाता है और जो wood है वो आसानी से उसमें grip भी आ जाती है और इसीलिए कोई भी जो piece of wood होता है वो जहां पर हमने fit किया हुआ है वो आसानी से नहीं निकल जाता क्योंकि वो स्क्रू के साथ उसके स्क्रू की जगह अगर हम वहां पर ग्लू यूज कर रहे होते फेविकॉल है या सपोज की तो वहां पानी होगा तो वो ग्लू तो आसानी से निकल जाएगा तो वो तो हमारा काम बढ़ जाएगा। बट हमने स्क्रू के साथ कोई भी चीज फिक्स कर दी है तो वो वैसे की वैसे रहती है लॉन्ग टर्म तक, है ना। वो हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, हम कई जगह पर स्क्रू है वो यूज करते हैं। तो ये जो स्क्रू है इट्स आल्सो टाइप ऑफ इनक्लाइंड प्लेन क्योंकि इट्स लुक लाइक अ वाइंडिंग रोड, ये ग्रूव्स की वजह से उसे, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। तो यहां हमने लर्न किया इंक्लाइंड प्लेन और स्क्रू के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो आगे के जो सुपर मशीन्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लर्न करेंगे।